Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear uh, students, we are going to resume the remaining parts of the chapter which we started in the previous lesson. I hope you must be remembering the chapter which we studied in the last lesson. नालंदा एनशियट सीट ऑफ लर्निंग प्यारे छात्रों हम उसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं आज या जो बचे हुए हिस्से हैं जिस पाठ को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था जिसका नाम नालंदा एनशियनट सीट ऑफ लर्निंग है इस पाठ के लेखक जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दिस ग्रेट रिपब्लिक हमारे देश के सबसे पहले सबसे या सर्वप्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ही वॉज नॉट ओनली अ प्रेजिडेंट वो सिर्फ एक प्रेजिडेंट ही नहीं थे ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर नो ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑल्सो इन हिज टाइम A stories of his brilliancy, a stories of his intelligentsia are quite famous. After reading this chapter, we also understand, we come to know about his in depth study of the past of India, the way he has described Nalanda, you know, the details which he has presented to us. It is really remarkably. एनलाइटनिंग जो कुछ भी ज्ञान हमें नालंदा के बारे में इस पाठ से जो ज्ञान मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बड़े विद्वान थे वो अपने शैक्षणिक काल में भी उनकी जो बुद्धिमता थी उनकी जो इंटेलिजेंसिया थी वो काफ़ी चर्चे में थी और उस पर बहुत सारी कहानियाँ भी हैं किस्से भी हैं सो so, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेल्सस अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय की या नालंदा विश्वविद्यालय के वैभवशाली अतीत के बारे में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद इस पाठ के माध्यम से हमें परिचित कराते हैं ही टेल्सस दैट देरवर अंबर ऑफ किंग्स एम्पायरस हुप्ड नालंदा Who donated for the construction of Nalanda, for the preservation of Nalanda? A host of no foreign visitors also used to come, and in those days it was a matter of pride for someone who was associated with this great seat of learning. और उस जवाने में जो लोग Nalanda से संबंधित थे वो अपने आप में गौरव का अहसास करते थे, वो बहुत गौरवानुभव महसूस करते थे सो नालंदा ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेड, द ग्रेट एजुकेशनल पास्ट ऑफ आवर नेशन लेट अस सी, द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट द ऑथर हैज रिटन सो सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज़ ड्रॉन अप विद ग्रेट विजडम सिलेबस बच्चों कितना अहम होता है यह कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यहाँ डॉक्टर प्रसाद हमें कहते हैं कि उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस थी उसे बड़ी ही बुद्धिमता से बड़े ही गौर से उसे बनाया गया था एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स वर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ और उस सिलेबस को या उस सिलेबस का अनुसरण कर बच्चे अपनी दैनिक ज़िंदगी में सफल होते थे इट हैड मेड ए स्टडी ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स कंपल्सरी इस सिलेबस के अनुसार पांच विषयों का अध्ययन कम्पल्सरी था अनिवार्य था ग्रामर जो व्याकरण है बाय विच वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज तो व्याकरण या ग्रामर के माध्यम से लैंग्वेज पर कैसे मास्टरी किया जाए इसकी पढ़ाई होती थी लॉजिक विच टॉट द स्टेंट टू जज एवरी इशू रैशनली बड़े ही बौद्धिक तौर पर किसी भी चीज़ को जज करना पारदर्शी तरीके से किसी भी चीज़ को जज करना उसके लिए लॉजिक पढ़ाई जाती थी मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान ए स्टडी ऑफ विच एनेबल्ड द स्टूडेंट टू कीप हिमसेल्फ फिट एज ऑल्सो अदर्स और चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई इसलिए की जाती थी कि जो पढ़ने वाले थे वो खुद को भी स्वस्थ रख सकें और दूसरों को भी इन परफेक्ट हेल्थ एंड लास्टली हैंडी क्राफ्ट और आखिरकार हैंडी हस्तशिल्प की भी पढ़ाई होती थी जिसमें तरह तरह के सामान खुद से बनाए जाएँ नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वॉज कंपल्सरी टू मैक द स्टूडेंट फाइनेंशली इंडिपेंडेंट किसी एक शिल्प में दक्षता बच्चों के लिए ज़रूरी था ताकि वह आर्थिक तौर से स्वतंत्र हो सकें आत्मनिर्भर हो सकें बिसाइड्स दीज फोर सब्जेक्ट्स इन चार विषयों के अलावा रिलीजन एंड फिलोसफी धर्म और दर्शन और स्टडीड वो भी पढ़े जाते थे डिपेंडिंग ऑन वंस ऑन स्पेशल इंटरेस्ट और यह निर्भर करता था कि उसका इंटरेस्ट किस में सो इन दिस पार्ट माई डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर प्रसाद introduces us about the syllabus, about the course of a study of this great nalanda university. he tells us that five subjects were compulsory. oh, ameena bhati, kipan, vishayon and ivarjita. or, it was essential for every child to follow one craft. यह अनिवार्य था एक बच्चों को मतलब विज्ञान चिकित्सा लॉजिक साइंस इन सब इन सब पढ़ाई के अलावा बच्चों के लिए एक शिल्प का पढ़ना अनिवार्य था ताकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें सो यू कैन से जीवन और शिक्षण दोनों दिए जा दोनों का दोनों का सामंजस्य था यहाँ पढ़ाई तो थी ज्ञानार्जन तो था ही था साथ में कोई आदमी आर्थिक को उपार्जन कैसे कर पाए आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे हो कैसे हो इसकी भी दीक्षा इसकी भी शिक्षा वहाँ दी जाती थी सो दिस इज हाउ इट वॉज ऑल इनक्लूसिव यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स टाइम्स next द नेक्स्ट पार्ट ऑफ The स्टोरी द हाई आइडियल had नालंदा in इन द मैटर ऑफ द कोर्स इज study. डिजर्व्स आवर अटेंशन द हाई आइडियल विच नालंदा है मैटर ऑफ द कोर्सेज ऑफ स्टडी अध्ययन के क्षेत्र में जिन आदर्शों को नालंदा अपने साथ ले चलते थी उसके तरफ हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए एंड कंसिडरेशन इवन ना हमें आज भी उसके बारे में सोचना चाहिए उस पर गौर करना चाहिए उसको समझना चाहिए अपनी धारणा में उसको लेना चाहिए इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडीज हुई मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन इन एक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इस तरह से इतने सुव्यवस्थित कोर्स थे सिलेबस थे और इसी लिए बच्चों की जो शिक्षा थी वो सर्वोत्तम थी बच्चे शिक्षा के या अपने विषय के विषय का गहनतम अध्ययन कर सकते थे और उसकी क्या यूटिलिटेरियनिज्म थी उपयोगवादिता थी उसका क्या व्यवहारिक एप्लीकेशन था उसको भी अपना सकते थे एज ए शेड्यू इन द बिगनिंग जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जीवन और शिक्षण दोनों थे वैन सांग स्टडीड लॉ वैन सांग लॉ की शिक्षा ग्रहण की योगा योगा की शिक्षा ग्रहण की फोनेटिक्स 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 की शिक्षा ग्रहण की शब्द विचार वगैरह इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड पाननी एंड पाननीज ग्रामर और पाननी के व्याकरण का भी अध्ययन किया तो वे सॉन्ग स्टडीड लॉ योगा फोनेटिक्स पाननी के व्याकरण एट द फीट ऑफ आचार्य शिलाभद्र और ये सब इन तमाम विषयों की शिक्षा सांग ने ग्रहण की आचार्य शिलाभद्र से द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हुआ करते थे चांसलर हुआ करते थे एंड आफ्टर इट फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स और तकरीबन पाँच साल के बाद रेड थ्रू मैनी बुद्धिस्ट वर्क्स बहुत सारे बौद्ध शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया और एंड वॉज स्पेश इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना और खास करके महायाना के कार्यों में उनकी दिलचस्पी अत्यधिक थी सिमिलरली ठीक उसी तरह से अभी जो बात हम लोगों ने किया वो इंसांग के बारे में किया कि उन्होंने कितनी सारी विषयों को पढ़ा उनके गुरु कौन थे उसके बाद इतसिंग की बात आती है एक दूसरे चाइनीज ट्रैवलर हैं चाइनीज यात्री हैं स्टडीड बुक्स ऑन थेरवाद एट नालंदा और इन्होंने इस सिंह ने थेरवाद की पढ़ाई की जहाँ वेनशांग ने महायान की पढ़ाई की वहीं इस सिंह ने थेरवाद की पढ़ाई की प्यारे बच्चों यह जरूरी है कि थोड़ा इस बात को समझ लें पहले जिसको मैंने हीनयान कहा था वही थेरवाद भी है और महायान और हीनयान ये दो एक ढंग से दो पद्धतियाँ निकली बौद्ध धर्म के अध्ययन के क्षेत्र में अब जो महायान के जो पढ़ने वाले होते हैं या महायान से जो संबंधित लोग हैं वो मूर्ति पूजा में भी यकीन करते हैं वो मूर्ति को पूजते भी हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति वगैरह को लेकिन जो और उनको थोड़ा अलौकिक मानते हैं देवत्व का आरोपण करते हैं वह भगवान बुद्ध पर जो महायान को मानने वाले हैं और जो थेरवाद या हीनयान को मानने वाले हैं तो वो भगवान बुद्ध को एक युगपुरुष ही मानते हैं और जिन्होंने तपस्या के द्वारा निर्वाण को प्राप्ति की यही अंतर है महायान और हीनयान में अस सी The next part of द story. The scholars of Nalanda carried the torch of knowledge to foreign countries. और जो नालंदा के विद्वान थे वह दूसरे दूसरे मुल्कों में भी ज्ञान रूपी नालंदा के प्रकाश को फैलाया दूसरे देशों में भी ले गए फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर स्त्रोंग चेंग गैम्पो त्रोंग चेंग गैम्पो द एम्पेयर ऑफ तिब्बत यह तिब्बत के बादशाह थे तिब्बत के सम्राट थे विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज कंट्री सेंट स्कॉलर कॉल्ड थोनिम शंभोत टू नालंदा तो इन्होंने जो तिब्बत के सम्राट थे इन्होंने विद्वानों को भेजा जिनमें से एक विद्वान जिनका नाम थोनिम सम्भोध था उसको इन्होंने नालंदा भेजा ताकि संस्कृत और भारत के बारे में जानकारी हासिल किया जाए ज्ञान अर्जित किया जाए वेर यू स्टडीड बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर और यहाँ ये तिब्बत से आए विद्वान जिनका नाम थोनिम श्भोध था इन्होंने बौद्ध साहित्य और ब्राह्मणिकल साहित्य ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया अंडर आचार्य देव विदा या देव विद देव आचार्य देव विद के तहत उनके अंदर इन्होंने अध्ययन किया आफ्टर दिस इसके बाद इन द 8th सेंचुरी एटी आठवीं शताब्दी में आचार्य शांति रक्षित एक दूसरे आचार्य जिनका नाम शांति रक्षित है द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वो वेंट टू तिब्बत आचार्य शांति रक्षित जो नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर थे कुलाधिपति थे वो तिब्बत जाते हैं किस लिए इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्पर वहाँ का बादशाह वहाँ का सम्राट इनको आमंत्रित करता है और ये तिब्बत जाते हैं आचार्य कमलशिला, शिला द चीफ अथॉरिटी ऑफ तंत्र विद्या आचार्य कमलशिला शिला जो बहुत ही बड़े अथॉरिटी थे ज्ञाता थे तंत्र विद्या का उन्होंने भी तिब्बत की यात्रा की उन्होंने भी तिब्बत को देखा सो इन दिस पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर प्रसाद इज टेलिंग अस अबाउट द ग्लोबल नेम एंड फेम ऑफ दिस ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी इस हिस्से में इस पा पाठ के इस हिस्से में डॉक्टर प्रसाद हमें नालंदा के वैश्विक ख्याति के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि किस तरह से तिब्बत के लोग तिब्बत के बादशाह वहाँ के विद्वानों को जिनमें से एक का नाम थोनिप सम्भोध था थोनिप सम्भोध उनको भेजा और वो ब्राह्मणिकल शिक्षा ग्रहण किए बुद्धिस्ट शिक्षा ग्रहण किए और उसका वो अपने कंट्री में अपने देश में वापस ले गए होंगे और ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अब एक जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे जिनका नाम आचार्य शांति रक्षित था ये भी तिब्बत की यात्रा करते हैं जब वहाँ के सम्राट उनको आमंत्रित करता है आचार्य कमलशिला उनके बारे में कहा जाता है कि वह तंत्र विद्या में बहुत बड़े हस्ताक्षर थे तो दिस इज हाउ वी कैम टू नो about the glorious past of Nalanda University and diverse range of educational mechanism there, you know, diverse fields of uh, studies there. People from different parts of the world they visited here and the chancellor of the university he also visited foreign countries, so it was really a wonderful seat of learning in in the past of this great country. So, let us see the next part of the story. So, Nalanda scholars learned the Tibetan language and translated Buddhist and Sanskrit works into it. Nalanda ke they learned the Tibetan language, unhone tibat ki jo Use and translated Buddhist and Sanskrit into it, or Buddhist or Sanskrit meshka and kya. Thus, they presented.

अनुवाद किया जाए संस्कृत में दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर वह सिर्फ भारतीय इतिहास और संस्कृति पर ही प्रकाश नहीं डालेंगे बट उड ऑल्सो अस टू फॉर्म अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ़ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी इन द प्रच्यूट ऑफ नॉलेज और वह इस चीज़ पर भी प्रकाशित प्रकाश डालेंगे इस चीज़ को भी प्रकाशित करेंगे कि तो उस जमाने में ज्ञान की खोज में नालंदा का क्या योगदान रहा फर्दर इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट कोरियन स्कॉलर्स इसके आगे यह भी माना जाता है दैट कोरियन स्कॉलर्स केम टू स्टडी द विनय एंड अभिधर्मा एट नालंदन कोरिया के विद्वान भी विनय और अभिधर्मा को पढ़ने के लिए उसका अध्ययन करने के लिए नालंदा आए इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कोरियन ट्रांसलेशन्स ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स मे स्टिल भी एक्सटेंट इन कोरिया यह संभव हो सकता है कि अभी भी जो अनुदित कार्य थे कोरियन ट्रांसलेशन्स ऑफ ओरिजिनल संस्कृत जो ओरिजिनल संस्कृत उस का अनुवाद कोरिया में कोरियन भाषा में जो किया गया था नहीं वो अभी भी वहाँ मौजूद हो चौदशी हा वी कैम टू नो नो <coughs> that at such a large level, you no, at an enormous level, nalanda university was functioning in those days. msrs, ambassadors, envoys were exchanged. educationists, uh, scholars, they visited this part of the country and our uh, scholars from here, they also visited. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नो सो इट वॉज रियली अ वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ अवर ग्लोरियस पास्ट यह सही मायने में हमारा एक बहुत ही चमत्कारिक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि थी प्राचीन भारत में प्राचीन संसार में ज्ञान के क्षेत्र में सो लेटससी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बिसाइड्स बींग फेमस फॉर इटडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में ख्याति के बावजूद या उसके अलहदा नालंदा वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स नालंदा केंद्र था फाइन आर्ट्स का एंड इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट ऑफ नेपाल फाइन आर्ट्स का केंद्र ही नहीं था इसने प्रभावित भी किया नेपाल को तिब्बत को इंडोनेशिया को और सेंट्रल एशिया को मध्य एशिया जिसको आप कहते हैं द ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ नालंदा जो ब्रांज स्टैचूज थे कांस की मूर्तियाँ थी नालंदा में आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटिफुल और बहुत ही प्रभावशाली और खूबसूरत है एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट स्टैचूज ऑफ़ बुद्धा फाउंड फाउंडड बे ट्रेसेज ऑफ़ द नालंदा स्कूल और इस्कॉलर्स को विद्वान जनों को यह यकीन है कि स्टैचूज ऑफ बुद्धा फाउंड कुरकीहर कुरकीहर में जो बुद्धा के मूर्ति पाए गए हैं बेयर ट्रेसेज ऑफ द नालंदा स्कूल और उसमें नालंदा स्कूल के को भी ट्रेस किया जा सकता है उसकी भी छवि को देखा जा सकता है उसके भी छाप को देखा जा सकता है इट इज ट्रू द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज बॉर्न ऑफ एन ऑल इनक्लोसिव प्रस्यूट ऑफ नॉलेज यह बिल्कुल सच है द अचीवमेंट ऑफ नालंदा नालंदा की जो उपलब्धि थी ज बोर्न ऑफ एन ऑल इनक्लूसिव समग्र समेकित ज्ञान की जो चेष्टा है ज्ञान की जो खोज है ज्ञान की जो लालसा है वहाँ से इसका जन्म हुआ है इन विच रिलीजन एंड फिलोसफी लैंग्वेज एंड हैंडी हैड इक्वल इंपॉर्टेंस जिसमें धर्म और दर्शन भाषा और हस्तशिल्प सबके बराबर सम्मान है सबके बराबर सबका बराबर महत्व है सो एज आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ यू कैन कंक्लूड दैट नालंदा वॉज कोर्स अ ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग इट्स अचीवमेंट ट्रैवल्ड नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो

ऑल इंक्लूसिव था ऑल इंक्लूसिव कहने का मतलब यह है कि कोई बाइसनेस नहीं था किसी ढंग का पिजडिस नहीं था कोई भेदभाव नहीं था वैदर इट मे भी द मैटर ऑफ रिलीजन चाहे वह धर्म की बात हो चाहे वह साहित्य की बात हो हमने पहले भी देखा कि पीपल लर्न ट बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो एट द सेम टाइम दे स्टडीड बेदाज ऑल्सो एंड द ब्राह्मणिक लिटरेचर ऑल्सो

बाय गौन जो गुजरा जमाना है जो वक्त बीत गया वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अब बायरा एंड री एस्टेब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट लिटरेचर फिलोसफी रिलीजन एंड साइंस यहाँ डॉक्टर प्रसाद एक ढंग से अपील करते हैं हम सब से अपील करते हैं वो कहते हैं वी शुड एम एट रिवाइविंग हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इसे इस महानतम विश्वविद्यालय के वैभव को इसके गौरवशाली परंपरा को इतिहास को पुनर्जीवित किया जाए पुनः स्थापित किया जाए गुजरा जमाना फिर से वापस लाया जाए और हमें नालंदा की पुनः स्थापना करनी चाहिए एक केंद्र के रूप में कला के लिए साहित्य के लिए दर्शन के लिए धर्म के लिए और विज्ञान के लिए तो विज्ञान के क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में दर्शन के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में नालंदा को पुनः स्थापित करना है कल्चरल ऋणेशा कल्चरल ऋणा ऋणा का मतलब पुनर्जागरण होता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन तो यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण उस चेतना का फिर से आना कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ अ नेशन या देश की जिंदगी में आ सकता है ओनली वैन अ लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर्स स्कॉलर्स डिवोट अ लाइफ टाइम टू सर्च आफ्टर ट्रूथ उसे जो बातें अतीत की हैं उस वैभवशाली अतीत को पुनः लाया जा सकता है तब लाया जा सकता है जब बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारे विद्वान जो दृढ़ संकल्पित हो जिनमें दृढ़ संकल्प हो कि वह जीवन भर त्याग करेंगे जीवन अपने जीवन को इसके लिए न्यौछावर करेंगे टू सर्च आफ्टर ट्रूथ सत्य के इस खोज में तो डॉक्टर प्रसाद ये कह रहे हैं कि इस तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण पुनः वापस लाया जा सकता है जब हजारों हज़ार की तादाद में या बहुत बड़ी संख्या में जब संकल्पित विद्वजन विद्वान लोग इस कार्य में लगेंगे जो एक सच की खोज ही है दो द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट यद्यपि यह मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ स्टिल वेरी यंग क्योंकि वो फाउंडेशन डे पर आए नहीं उसकी स्थापना दिवस पर जिस दिन उसका नींव लिया जा रहा है उस दिन वो आए उसी दिन वो स्पीच भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि दो द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट यद्यपि यह मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग अभी भी बहुत युवा है बट माउल्डेड टू द नीड ऑफ द एज लेकिन एज के अनुसार इसे बनाया गया है इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इन टू देंटर वी विस इट टू बी हमारी जो इच्छा है हमारी जो तमन्ना है उसके अनुरूप इसे ढाला जा सकता है इसे साँचा जा सकता है सो दिस इज वाट We have learnt, my dear students, in this chapter about the glorious past of one of the greatest universities of the ancient world, that was Nalanda University. And at the same time, we also learnt that it is the expectation of Rajendra Prasad and lots of people that those bygone era, those glorious past, मस्ट बी रिवाइव्ड मस्ट भी ब्रॉट बैक सो यही उनकी आकांक्षा है यही उनकी उम्मीद है कि उस बीते हुए जमाने की उस गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित किया जाए और नालंदा को फिर से एक वैश्विक शिक्षण संस्थान के रूप में पुनर्जीवित किया जाए दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन दिस लेसन माई डर चिल्ड्रेन होपफुल्ली वी शैल मीट अगैन विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल दैन गुड बाय नमस्कार